ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आठ साल मेरी उम्र थी जब मुझे बिजली का करंट लग गया था और एक हाथ मुझे गंवाना पड़ा था। आठ साल की उम्र में एक बच्चे का हाथ चला जाता है, मेरे ख्याल से उसके माँ बाप और वो खुद बहुत दुखी हो जाते हैं। वैसे ही मैं भी आठ साल की उम्र में बहुत दुखी हो गया था। और जब मैं वापस आया मेरे गांव में हॉस्पिटल से, तो सबसे पहले एक ही विचार आया कि बच्चों के बीच में तो खेलने नहीं जा सकता, पता नहीं क्या कहेंगे, वो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, कहेंगे भी आप तो कमज़ोर हो, क्यों बच्चे के बहुत से विचार आते हैं। उस दिन मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाला कि बच्चों के साथ खेल के आओ। शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट था वो। और जब मैं बच्चों के साथ खेलने लगा तो मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि हुई। अब जब मैं रियो ओलंपिक में मेडल लेके घर पे मेरी मम्मी के पास बैठा था, तो मम्मी ने कहा, उस दिन मैं तो आपसे कोई ओलंपिक मेडल नहीं लेना चाहती थी, उस दिन मैं उन बच्चों के आपको बराबर लाना चाहती थी। मैंने 10वीं कक्षा में गेम की शुरुआत की जेवलियन थ्रो की, और स्टूडेंट लाइफ में पहली दफ़ा मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ओलंपिक मेडल ले लिया है। क्योंकि उसमें दो बातें थी, एक तो ये मोहर लग गई थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात वो थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उसके बाद 2002 में मैं भारतीय टीम में जगह बनाई, 2004 में एथेंस जो ओलंपिक पैरालंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स में मैं भारतीय टीम का फ्लैग बेरर भी था, और मैं फर्स्ट इंडियन बना जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल लिया। और लास्ट टाइम में क्या हुआ कि मेरा 2008 में ओलंपिक्स में इवेंट नहीं आया जेवलिन थ्रो, और 12 में नहीं आया। तो जब 12 में नहीं आया तो मुझे कहा लोगों ने कि देवेंद्र अब तो छोड़ देना चाहिए आपको गेम, लंबा टाइम हो गया, अब गेम थोड़ी कर पाओगे। तो जब मेरा रियो में इवेंट आया तो मैंने उनसे कहा गेम नहीं देखना आप, मैं रियो में बताऊँगा मैं क्या करूँगा। भगवान की दुआ से उस दिन मैंने ऐसा कंपटीशन लड़ा कि मैंने 63.9 लगाते फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। He's the world record holder. Oh, he's the world record breaker. It's stood for 12 years from his Athens gold and Devendra 63.97. तो मैंने कहा कि आज 23 साल के देवेंद्र झाझड़िया पे 35 साल का देवेंद्र झाझड़िया भारी पड़ा है। जिंदगी में कोई काम मैं नहीं मानता मुश्किल है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके पीछे आपकी मेहनत कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मैंने मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, मैंने जेवलिन फेंकना सीखा और मैंने ये सोचा कि जेवलिन फेंकनी है मुझे। मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ, मैंने कभी मेरी जेवलिन, जय इंडिया कैंप में रहता हूँ, मैंने स्टोर में नहीं छोड़ी कभी जेवलिन को, मैं मेरे रूम में रखता था। तो लोग मुझे कहते थे रूम में क्यों रखते हो, सभी स्टोर में रख के आते हैं। मैंने कहा मुझे 24 घंटे मेरा टारगेट दिखना चाहिए।
मुश्किल नहीं है लाइफ में कुछ, फिर से मैं कहना चाहता हूं आपको, आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा कुछ करने की संभावनाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान इधर भी लगा लेते हैं और ध्यान इधर भी लगा लेते हैं, जबकि लगाना तो ध्यान इधर होता है। ये सबसे बड़ी कमी है हम लोगों में, इसको हम दूर करें। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है, मुझे कई बार पूछा गया। जिंदगी की मैं मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी खुशी होती है, जब मैं ओलंपिक में खेल रहा था और गोल्ड मेडल लेने के बाद जब मैं मेडल ले रहा था मेडल सेरेमनी में, और जब मेरे देश का वो राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जाता है, उससे बड़ी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। हम ओलंपिक होता है तो बहुत चर्चाएं करते हैं, 2 महीने पहले चर्चा में लग जाते हैं और 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद तक उसकी हम समीक्षा करते रहते हैं। हम इसलिए पीछे हैं ओलंपिक में, क्योंकि इसी ऐसी ही चर्चा लगातार 4 साल जारी रहनी चाहिए कि ओलंपिक आ रहा है, ओलंपिक आ रहा है। आज हम 2020 की बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत तालियां बजाई। मैं मानता हूं एक दिन इन्हीं में से कोई निकल करके इतनी ही तालियां बटोरे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।